बहुत दिनों के बाद में हम कहें कि 5-6 महीना हो गया होंगे, हम स्टैंडिंग का बैठक आज कर रहे हैं और हमारी बैठक में कई विषय सामने छन करके आए हैं। इस समय विशेषकर अगर देखा जाए तो हमने पिछले बैठकों का संपुष्टि और अनुपालन तो किया ही है, लेकिन खास तौर पर छठ और दीपावली को लेकर के हम लोग ने पूरी तैयारी कर लिए हैं और कहीं कहीं जहाँ कर्मियों का, सफाई कर्मियों का जरूरत है और गाड़ियों की जरूरत है तो वहाँ संख्या बल लगा करके उस इलाका को साफ सफाई करना, और छठ को लेते हुए पूरे शहर का अधिकतर तालाब अभी साफ हो गए हैं। जो थोड़ा सा आउटर का क्षेत्र है वहाँ का तालाब में लोग लगे हुए हैं, छठ तक वो पूरा कंप्लीट हम लोग कर देंगे। और आज का विशेष बैठक में हम लोग ने 7 ऐसे कन्या अभियंताओं को हम लोग ने संविदा अवधि विस्तार किया है। एक हमारा अमीन को हमने अवधि विस्तार दिया है, एक लेखा पदाधिकारी है उनका भी अवधि विस्तार हमने किया है, 7-9 सहायक डाटा एंट्री जो कंप्यूटर का काम देखते हैं ऐसे लोगों का भी हम लोग ने अवधि विस्तार किया है। विशेषकर जो हमारे पास में 15 फाइनेंस का योजना है उनको लेकर के लगभग हम लोग 28 करोड़ तक का योजना बना करके कुल मिलाकर के 48 योजना पूरे शहर का, जो उसमें विशेषकर जो खतरनाक नाला है और अति आवश्यक जहाँ आज भी कई विषय सामने उठ करके आते हैं, इन सब योजनाओं को जोड़ते हुए शहर विकास के लिए या खतरनाक नाला को ठीक करने के लिए योजना बना करके विभाग को भेज रहे हैं। और विशेष आज का जो बैठक है उस बैठक में सबने अपना विषय भी रखे है कि आगे आने वाला योजना में जितने भी हमारा विकास का काम है, चाहे चौक चौराहे का सौंदर्यीकरण है, तालाब सौंदर्यीकरण हो गया, पथ मध का योजना हो या नागरिक सुविधा का योजना है, इन सबको जल्दी से एक कार्य करते हुए, टेंडर करते हुए सबको धरातल पर उतारने का काम करेंगे ताकि जनता के हित में काम हो सके और जनता के हित में हम लोग काम कर सके। आज हम लोग ने एक संकल्प निकले थे राज्य सरकार के माध्यम से, उसको भी हम लोग ने पारित किया है कि जितने भी शहर के अंतर्गत यानी नगर निगम क्षेत्र में खाली जमीन पड़ी हो या पार्क हो या तालाब हो, अलग अलग विभाग के हैं लेकिन जब बन जाते हैं तो उसका पूरा मेंटेनेंस हम सब करते हैं, तो उन सबको ऐड करते हुए हम लोगों ने पुनः एक बार स्थायी समिति से पारित होकर के सरकार को भेज रहे हैं ताकि उनकी और एक अनुमति हमें मिल जाएगी तो हम पूरे को अपने अंदर लेकर के अपना रंग रोगन चाहे साफ सफाई जो करते हो सब हम लोग कर रहे हैं अभी। और एक बहुत अच्छा हम लोग ने देखा किया है प्रयास एक कि बड़ा तालाब का सौंदर्य कैसे हो सकता है, तो कई दीवार ऐसे पड़े थे, गाड़ियां वहां बहुत सारे जाम होते थे, तो वहाँ रंग रोगन करके लोगों के लिए एक पर्यटक स्थल टाइप का डेवलप कर रहे हैं, तो ऐसे रंग रोगन और जगह भी हो सकता है, तो उनको भी हम लोग ने 1 महीने का एक समय दिए हैं कि ताकि बाकी ऐसे हो सके। और पूरे शहर का आने वाला समय के लिए हम लोग देखेंगे कि शहर का जितना खाली पड़ा ऐसे दीवार होंगे तो उसमें सोहराई पेंटिंग को कैसे हम उकेर सकते हैं और एक रांची को रौनक रूप बना सकते हैं, इसके लिए आज का बैठक में हम लोग ने लिए हैं और खास तौर पर छठ और दीपावली को लेकर के विशेषकर तैयारी की। मैडम, जेल परिसर में कल अतिक्रमणकारियों ने रोक लगा दी कार्य निर्माण कार्य पर। उनका कहना था कि निगम के में 50,000 रुपए जमे भी किए गए लेकिन फ्लैट नहीं मिला। देखिए, जेल पार्क, जेल कैंपस में जो आवास बने हैं उनका सबका नाम है और उन्हीं के नाम से हम लोग ने वहाँ घोषणा भी की और रूम भी उनके लिए बना हुआ है। हाँ, बसरते उनको जाना है, कुछ लोग गए हैं कुछ लोग नहीं जा पाए हैं, उनको भी हमारा जो अधिकारी थे वो ट्रांसफर हो गए, हमारा सिटी मैनेजर थे, सब ट्रांसफर, अभी सब लोग नए आए हैं, सब लोग अभी अपना अपना कमान संभाले हुए हैं, हम बहुत जल्द उनको स्थान दे देंगे और काम वहाँ शुरू होगा, मैं इतना आपको विश्वास दिलाती हूँ। मैम, राज्य सरकार से कितना सहयोग मिल रहा है निगम को? अभी तक आप देखेंगे तो राज्य सरकार से किसी तरह का कोई सहयोग नहीं मिला, लेकिन हमने जो पत्राचार किए थे कि हमारे पास में अधिकारियों का अभाव है, चाहे चीफ इंजीनियर हो या हमारा सिटी मैनेजर, सभी का ट्रांसफर हो चुका था, नहीं थे तभी 5 सिटी मैनेजर दिए हैं, कुछ और जो मिशन मैनेजर हैं वो भी भेजे हैं और चीफ इंजीनियर भी हम लोग को दिए हैं। बाकी जो राशि की बात करते हैं तो राज्य सरकार किसी तरह से हमें सहयोग नहीं की है, क्योंकि हमने छठ और दीपावली को ध्यान में रखते हुए लाइट के लिए प्रपोजल दिए थे कि 10 करोड़ रुपया आप मुझे देंगे तो हम लाइट लगा पाएंगे, हमें अभी भी 10,000 लाइटों की आवश्यकता है पूरे रांची के लिए, तो अभी तक सरकार ने किसी तरह का कोई मदद नहीं की है। हमने पिछले दिनों पानी के लिए भी पैसे मांगे तो वो भी राशि हमें प्राप्त नहीं हुए, लेकिन हमारा इंतजार है, हम डिमांड करेंगे क्योंकि हमने जनता चुन के भेजी और जनता के हित के लिए लगातार हमारा प्रयास रहेगा कि हम सरकार से डिमांड करते रहेंगे
जब तक सरकार हमें पैसा नहीं दे देगी तब तक हम मांगते ही रहेंगे। अभी जो बैठक हुई मैम उसमें तो बहुत सारी बातें हैं कि कई वार्डों को काम मिला है 14वें वित्त के तहत, लेकिन कई देखिए 14वें वित्त के तहत तो 53 वार्ड में काम मिले हैं, एक दो वार्ड को छोड़कर के बाकी सभी जगह, चाहे 13वें वित्त हो या 14वें वित्त हो। 14वें वित्त में आपको मैं बता दूं कि पिछले दिनों हम लोग को 225 करोड़ तक का योजना मिला है और वो काम चल रहे हैं। इस सरकार ने उन कामों को रोक करके रखी थी, लेकिन अभी 25% खर्च करने का एक अनुमति मिला है, तो देख हम लोग को भी आशा जगी है कि चलो हम काम कर पाएंगे। लेकिन 15वें वित्त आयोग का जो राशि मिलना चाहिए, अब रांची को 24 करोड़ के लगभग राशि मिली है, जिसको हम कह सकते हैं कि ऊंट के मुंह में जीरा है। हम 24 करोड़ राशि अगर रांची का एक क्षेत्र में लगा दे तो वो एक ही जोन में, हमारा 5 वार्ड का एक जोन है, अगर इस एक जोन में लगाएंगे तो एक जोन में भी पूरा नहीं होगा। तो मैं इतना ही कहना चाहूंगी कि 15वें वित्त का राशि आप बढ़ा के भेजिए, एक राजधानी होने के नाते राजधानी का विकास कैसे होगा, डेवलप कैसे होगा, इस दृष्टिकोण से आपको भेजना चाहिए। सभी यूएलबी से रांची को आंकना नहीं चाहिए, ऐसा मैं सरकार से कहना चाहती हूँ। नए निगम भवन में कब तक शिफ्ट होने की उम्मीद है? देखिए जब काम पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगा तो जरूर उस भवन को हम लोग उस भवन में जाएंगे, लेकिन अभी काम पूरा कंप्लीट नहीं हुआ, फिनिशिंग नहीं हुआ है। जब फिनिशिंग हो जाएगा, निगम को हैंडओवर हो जाएगा, तो हम लोग जरूर वहाँ शिफ्ट कर जाएंगे। मतलब 15 नवंबर को? अभी कोई हम लोग के पास में कोई लेटर नहीं है, किसी तरह का कोई अभी चर्चा नहीं है, इसलिए इसके बारे में हम और नहीं बता सकते। ठीक ठीक थैंक यू। कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा, तो आज की तारीख में हमारा मैं जिस फ्लैग कर रहा था वहाँ पहुँचने में भी कटाई रहती है। उसी तरह से निगम की गाड़ी ट्रांसपोर्ट, निगम की गाड़ियाँ धुलती है तो नहीं धुलती है, वहाँ जाती है और वहाँ पर लोग व्यवसाय कर रहा है, जैसे कोई गाड़ी धो रहा तो मान लीजिए धो तो रहा, मान लीजिए वो अगल बगल का ही लोग, अगर गाड़ी पर ही कहे हम लोग कुछ कार्रवाई करें जो गाड़ी धोना ला रहा है, गाड़ी जब करे गाड़ी पर ही कार्रवाई, गाड़ी धोना बंद कर देगा गाड़ी जब एक भी माइकिंग करवा देते हैं, बात समझ आई तो ठीक, नहीं समझ आई तो तरीका है हमारे पास करने का। और एक एक चाहेंगे ना हम यहाँ पे सुझाव, मान लीजिए कि हमेशा आप वहाँ पर आदमी लगा कर रखते तो कहीं पर सीसीटीवी कैमरा लगवा दीजिए। अभी पता है कि लो बैरिकेडिंग जो लो हाई बैरिकेडिंग लग रही है उसमें सीसीटीवी भी साथ में इंस्टॉल कर रहे हैं, तो मूवमेंट वगैरह पता चल जाए। देखिए कुछ सिस्टम नया लाना है तो ऑफिस में थोड़े चेंजेस में 15 दिन 20 दिन महीना दिन लगेगा, लोग आदत पड़ जाएंगे, आपको अच्छा लगेगा। चाह रहे कि एक महीना दो महीना हो पर एक पूरा शुरुआत हो जाए। इसमें छठ का माहौल कुछ बात करना हम भी चाह रहे हैं। एक एक सेकेंड वहाँ पर डाल दीजिए। एक और उसमें छोटा सा इशू है, बड़ा तालाब के पास एक पुराना राजा जी है, जो सादे जिलों का स्ट्रक्चर है ना, जहाँ लोग अपना मर्की हकी उसको उसको हम लोग चाहते हैं कि उसी तरह से उसको रिस्टोर करा दिया जाए। सुर्खी चुने की आपकी बिल्डिंग है, ऐतिहासिक एक बिल्डिंग है, विरासत में है, बड़ा तालाब रांची लेक से बना था उस समय से, लोग बताते हैं कि उसका महत्व है। यहाँ पे हिस्टोरिकली जो स्ट्रक्चर से उसका काम करने वाली जो टीम है मलुटी में कर रही है, बिरसा मुंडा फुटवार में कर रही है, उनके साथ सरकार का ऑलरेडी एक एग्रीमेंट है, हमारा बहुत खर्च नहीं आना है, 15-17 लाख रुपए टाइप का कुछ एस्टिमेट है, उसको हम लोग जो है यहाँ प्रस्ताव रख रहे हैं कि उसको अगर हम लोग नहीं उसी नंबर में हम एक चीज आपको जानकारी देंगे कि नागरिक सुविधा जो हम लोग के आता है नहीं, हम बता रहे हैं कि पैसा कैसे बढ़ता है, जिससे कि आप भी क्लियर रहिएगा कभी कोई योजना को पकड़ने। जब नागरिक सुविधा का पैसा आता है तो हम लोग उसका 20% राशि पार्षदों में बांटते हैं, 80% राशि में 10-10% हम लोग तीनों को ले लेते हैं, बाकी पार्षद में बढ़ जाता है। तो जो भी कटेगा या तो मेरे फंड से कटे या आपके फंड से कटे या मेयर के फंड से कटे या फिर पार्षदों के फंड से कटे, तो इस तरह की योजना है तो उसमें क्लियर। सब्सक्राइब करें पर्यावरण पोस्ट।